الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ हाना और ये है मेरा चैनल हिजाबी हाना. तो होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव चल रहे होंगे. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद का एक जबरदस्त सा हिजाब ट्यूटोरियल. जी हाँ, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. लेट्स गो. तो आपने अपने अंडर स्कार्फ पहन लिया है, निकाब पहन लिया है, हम अपना लेते हैं हिजाब. ठीक है, अपने ये है सिल्क हिजाब, थोड़ा शिमरी सा ईद के हवाले से. ठीक है, एक दोनों साइड जो है वो बराबर लेनी है हमने. उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कान के पीछे ले जाके हमने पिन अप करना है. जी, हमने पीछे सर के पीछे ले जाके इसको पिन अप कर लिया है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इस तरह की एक पट्टी है, हम वो लेंगे. ठीक है, और इसको इस तरीके से बांध कर पीछे से बांध लेंगे. ठीक है, अब हम इसे एक्सेसराइज. मेरे पास ये झुमके हैं, तो मैं जी, तो हमने अपने झुमके पहन लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला जो हमने पट्टी यहाँ लगाई थी उसको हम अपने हिजाब के साथ जो है वो जो हमारा यहाँ पर हिजाब है उसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे. ठीक है, ट्विस्ट करते जाएंगे और यहाँ पर लाके हम इसे पिन कर लेंगे बैक साइड. तो हमने इसे यहाँ पर पिन कर लिया है. ठीक है, आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं. अब उसके बाद ये वाला जो हिजाब है, क्योंकि मेरी वो सिस्टर्स जो निकाब नहीं करती हैं वो कहेंगी फ्रंट तो पूरा ओपन है और नज़र आ रहा है, अब हम क्या करें. तो आपके लिए ये है कि आप ये वाला जो हिजाब है इसको ऑल द वे यहाँ से लेके जाएंगी. ठीक है, इसको इस तरीके से रहने देंगी और बैक पर ले जाके कम्प्लीटली आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे ये देखें, आपके पास फ्रंट कवरेज आ गया है, स्टाइल भी आ गया है. आपने इसे ले जाकर यहाँ और यहाँ पिन कर, मैंने इसे ले जाके यहाँ पर पिनअप कर लिया है. मेरे पास जो है वो फ्रंट कवरेज भी आ गया है और ये वाला जो स्टाइल है वो भी आ गया है, ताकि मेरी वो सिस्टर जो निकाब नहीं करती उनके पास जो है वो फ्रंट कवरेज आ जाए और ये स्टाइल यहाँ हो गया. अब ये वाली जो पट्टी है आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से लेके जाना है. ओके, और यहाँ पर क्रिस क्रॉस करके इसको अंदर की तरफ जो पार्ट था वहाँ पर हम पैटर्न आ जाए. ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसको कर देंगे पिन. ठीक है जी, सो दैट्स इट, हो गया. आप ईद के लिए बिल्कुल तैयार विथ वेरी सिंपल ड्रेस, वेरी सिंपल हिजाब स्टाइल विथ एक्सेसराइज, और आप लग रहे हैं बिल्कुल तैयार फिट फाट. तो ये हो गया हमारा हिजाब स्टाइल नंबर वन. अब इसमें हिजाब स्टाइल नंबर टू भी हो सकता है. जी हाँ, वो ये कि आपने इसको ले जाके इस तरीके से अपने हेड पे ले जाके, ठीक है, आप ये जो पिन आपने यहाँ पर लगाई थी इसको निकाल लीजिएगा. ठीक है, हेड पे इस तरह से ले जाके इधर ही इसी पिन से आपने यहाँ पर पिन अप करने है. मेक श्योर कि आपका जो झुमका है ना वो ना छुपे. ठीक है, और आपने इसको पिन अप कर लिया है और ये देखें आपका एक ही हिजाब से दो स्टाइल हो गए. जी हाँ, अगर आपका आधे दिन में जो है वो बोरियत होने लगे, या अगर आप ऐसे हैं कि सुबह में ददियाल में जाते हैं और शाम में ननियाल में जाते हैं और आप डिफरेंट स्टाइल करना चाहते हैं, या आप सुबह में ददियाल या कहीं भी जा रहे हैं, टू डिफरेंट स्पेस पे जा रहे हैं, दो डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, तो आप सुबह में पहले वो वाला हिजाब स्टाइल कर लीजिए और शाम में आप ये वाला हिजाब स्टाइल कर लीजिए. तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बिल्कुल जरूर प्रेस कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस ट्यूटोरियल को शेयर करें ताकि वो भी ईद के दिन इस स्टाइल को पहनकर खूबसूरत लगे. तो अपनी सिस्टर को इजाजत दीजिए, आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिव नोट के साथ छोड़ के जा रही हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. Until then, take care. Ma'asalam. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Salam